इंडस्ट्री को जितने भी बॉलीवुड के किए हुए पाप हैं आज इन्होंने धो दिए सबने। जिस तरह से आपने पूरे देश में हम सबको गर्वित किया, फिल्म इंडस्ट्री आपकी सदैव ही आभारी रहेगी। द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद कंगना रनौत ने दिया बड़ा बयान, बॉलीवुड पर साधा निशाना। विवेक अग्निहोत्री के द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद कंगना रनौत ने बॉलीवुड पर एक बार फिर से निशाना साधा है। हाल ही में इस फिल्म की तारीफ करते हुए कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया था और लगे हाथ बॉलीवुड की खूब खिंचाई भी कर डाली थी। द कश्मीर फाइल्स को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। फिल्म रिलीज के बाद सोशल मीडिया भी दो भागों में बंट गया है। कुछ इसकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ का आरोप है कि ये फिल्म पॉलिटिकल गेन के लिए बनाई गई है, तभी इसे बड़े बड़े नेता और अभिनेताओं को प्रमोट करने के लिए लगा दिया गया है। बीते शुक्रवार को रिलीज हुई अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती स्टारर इस फिल्म को अब कंगना रनौत ने भी देख लिया है। थिएटर से बाहर निकलते ही कंगना रनौत ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। एक्ट्रेस ने द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम को बधाई दी है और साथ ही बॉलीवुड के सितारों को सामने आकर इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए कहा है। कंगना ने कहा है, फिल्म की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बॉलीवुड के लिए हुए पाप आज इन सभी लोगों ने मिलकर वो सारे पाप धो दिए हैं। इतनी अच्छी फिल्म बनाई है, ये फिल्म इतनी काबिले तारीफ है कि सभी इंडस्ट्री वालों को जो अभी छिपे हुए हैं अपने बिलों में चूहों की तरह, उन्हें निकलकर आना चाहिए, इसे प्रमोट करना चाहिए। बकवास फिल्मों को प्रमोट करते हैं, इतनी अच्छी फिल्मों को प्रमोट करें। ये फिल्म इतनी काबिले तारीफ है कि सब इंडस्ट्री वालों को छुपे हुए हैं अभी अपने बिलों में चूहों की तरह, निकल के आना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए कि बकवास वाली फिल्म प्रमोट करते हैं। कंगना रनौत द्वारा की गई फिल्म की तारीफ के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग इस पर लगातार प्रतिक्रिया देते दिखाई दे रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, गुजरात उड़ीसा फाइल्स को भी एक समान दर्शाना चाहिए। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद एक बात तो कंफर्म हो गई कि अपने फायदे के लिए भारत के लोगों को इमोशनली बहुत आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। फिल्म बेशक अच्छी है लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल अच्छी बात नहीं है। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, मूवी एक्टिंग डायरेक्शन स्टोरी टेलिंग के मुताबिक अच्छी है लेकिन जिसने वहां सदियों से रह रहे लोगों के बीच फूट डाली वो थी सियासत। हमारी सरकार को कश्मीरी पंडितों की वापसी पर भी ध्यान देना चाहिए। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी हर अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुँचती रहे।